सोच विचार मीडिया, सोच आपकी नजरें हमारी। सर्वप्रथम तो जो अपना श्री राम वन गमन पथ का यात्रा मित्तल जी और बाबा द्वारा जो ये संकल्प लिया गया कि हमारा जो 75वां अमृत महोत्सव भारत में मनाया जा रहा है आज़ादी का, ऐसे अवसर पर और एक श्रीलंका से राम जी की जहाँ जहाँ उनके कदम पड़े और पूरे भारत में भी उस प्रांतों में जा रहे हैं, उसी के तहत आज छत्तीसगढ़ में भी जो आगमन हुआ है जिसके तहत आज राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का यहाँ आयोजन किया गया, उसमें एक बहुत बड़ी बात जो है जो हम हर वो जो धरती में आया है जो भी उसको राम के जो आदर्श हैं, जो अनुशासन है और जो हमारी संस्कृति है उसका एक बहुत बड़ा संदेश है। वो संदेश को हम लोग पुनः जो कोरोना काल में हमको सिखाया गया सिखा दी है प्रकृति ने, आज वो है प्रकृति के वाद में आज ये जो अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन छत्तीसगढ़ में जो आगमन हुआ, स्वाभिमान संस्थान की ओर से मैं उनका पूरा अभिनंदन करता हूँ, उनकी यात्रा सफल हो और जिस तरह से श्रीलंका से लेकर रामनवमी 10 अप्रैल को यह अयोध्या में यात्रा संकल्प उनका समाप्त होगा, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त जगतवासियों से, जनता जनार्दन से कि श्री राम जो जिस धरती में आए थे मनुष्य का जो जीवन पाया था एक आदर्श प्रस्तुत किया है, इस तरह विश्व के सामने हमारा ये जो संकल्प है जो राम का चरित्र है वो पूरे जग में जाना जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः मैं आप लोगों को सोच विचार मीडिया को और समस्त टीम को अपनी ओर से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी नजरें हमारी। बात है स्वाभिमान की, बात है आम इंसान की, बात है असहनीय अपमान की, क्योंकि अब बात है अपनों के सम्मान की। हम हैं सोच विचार मीडिया, सोच आपकी नजरें हमारी।